हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू बीइंग। सो गाइस, आई नो ये वीडियो काफी लेट आ रहा है, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन हो चुके हैं मेरे बेबी शावर को, बट मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से हमेशा की तरह। सो गाइस, आज फाइनली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बेबी शावर पर हमें रिसीव हुए थे काफी सारे गिफ्ट एंड आप सभी का काफी सारा प्यार, सारी फैमिली एंड रिलेटिव्स का, तो मैंने सोचा था क्यों ना मैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। बट मेरे घर वाले इतने बेचैन थे कि उन्होंने रात में ही सारे गिफ्ट्स खोल डाले। सो अनबॉक्सिंग तो नहीं, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि मुझे बेबी शावर पर क्या क्या गिफ्ट मिले थे। सो आज की वीडियो मैं बना रही हूँ दिया के साथ, यानी मेरी सिस्टर के साथ। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग, एंड आपके साथ दिखाती हूँ मुझे जो भी गिफ्ट बेबी शावर में रिसीव हुए थे, मेरे को मिले थे, अमित को मिले थे, वो सारे गिफ्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मेरी मम्मी की तरफ से, क्योंकि गोद भराई जो होती है लड़की की, वो बेसिकली लड़की के मायके की तरफ से होती है, मायके की तरफ से सामान वगैरह आता है। तो स्टार्टिंग करते हैं उसकी। सो दिया दिखाओ। सो गाइस, ये था एक प्रिटी सा सूट, बहुत ही प्यारा सूट है ये। पूरा खोल के तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में इन सब चीजों को कलेक्ट करके रखना। तो ये सूट मुझे मम्मी ने ही मंगाया था, एंड ये मेरी चॉइस का है, मैंने ऑर्डर किया था, पेमेंट मम्मी के थ्रू थी। तो ये सूट बहुत ही प्यारा है और ये है एक अनारकली सूट फुल लेंथ में। तो फर्स्ट वन ये था गाइस, एंड फर्स्ट वन एक्चुअली ये था जो मैंने वेयर किया था, गाउन अपना बेबी शावर वाले फंक्शन के दिन। तो फर्स्ट वन ये था, सेकंड वो था, एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट कुछ साड़ियाँ थी, एक ये है ब्लू प्रिंट की साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसका बहुत ही प्यारा बॉर्डर है, आई होप आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा। एंड नेक्स्ट थी ये साड़ी, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, पर पता नहीं मैं कब पहन पाऊंगी इनको, कब इनका नंबर आएगा। एंड लास्टली थी ये वाली साड़ी। सो गाइस, ये पांच साड़ियाँ जो पांच जो कपड़े होते हैं वो मम्मी की तरफ से थे, एंड इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, मैं वो दिखाती हूँ। पहले ये था सबसे स्पेशल गिफ्ट जो मुझे मम्मी की तरफ से रिसीव हुआ था, जो कि मेरे लिए थी गोल्डन रिंग, और इसके अलावा थे बीचे जो चलते हैं हम लोगों के यहाँ होता है, तो ये वाली रिंग थी मम्मी की तरफ से, मैं पूरा आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज, ये था मम्मी की तरफ से मेरे लिए रिंग एंड बीचे जो मैंने पहने हुए हैं अभी, एंड इसके अलावा थी मेरी मेकअप किट। तो ये मैंने बनवाई थी, इसमें जो भी मेकअप का मतलब एसेंशियल सामान होता है डेली यूज़ का, वो सारा सामान और ये मेकअप किट थी। सो गाइज, ये तो था मम्मी की तरफ से मेरे लिए, एंड फ्रूट बास्केट एंड ऑल वो सब तो चलता ही है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं अमित की गिफ्ट की, कि मेरे घर की तरफ से अमित के लिए क्या गिफ्ट आए थे। तो अमित के लिए सबसे पहले तो था ये ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा कुर्ता जो उन्होंने वेयर किया था फंक्शन वाले दिन, एंड नेक्स्ट था ये पैंट शर्ट का कपड़ा, ये भी काफ़ी अच्छा कपड़ा है, पहनना होगा तो वो तैयार करा लेंगे, ये भी था। एंड नेक्स्ट गिफ्ट जो था वो ये था। अब इसकी अनबॉक्सिंग में क्या ही करूँ क्योंकि इन सब में पैंट शर्ट के एंड सफारी सूट वगैरह के कपड़े हैं, तो वो था ये। सो ये गिफ्ट्स और हैंकी वगैरह लगा के मतलब पांच हनी कपड़े जो होते हैं वो थे अमित के। एंड गाइज, उसके बाद चाची क्या लेकर आई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अमित के लिए लाई थी चाची ये, इसमें भी आई थिंक कपड़े हैं, हाँ इसमें भी कपड़े हैं, और ये है अमित के लिए, और मेरे लिए थी ये प्यारी सी येलो कलर की साड़ी। एंड इसके अलावा नारियल ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें, मिठाई उठाई, तो वो सब था चाची की तरफ से। एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ मामा की तरफ से क्या था। सो मामा की तरफ से मामी जो लेके आई थी मेरे लिए वो था एक बहुत ही प्यारा सा सूट है, एक पिंक कलर का, बहुत ही प्रिटी सूट है, और इसमें मेकअप का सामान है यानी मावा बिंदी, एंड बैंगल का सेट भी था, वो मैंने अलग निकाल के रख दिया है टूटने की वजह से, तो बहुत ही प्यारा। ये भी एक अनारकली सूट है, मजेंटा कलर का है एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, मैं पहनूंगी तब आपको ये सारे वीडियोस में देखने को मिलेंगे कैसे कैसे सूट किस किस की तरफ से किस किस के लिए थे। एंड अमित के लिए था ये बहुत ही प्यारा चिकनकारी का कपड़ा है कुर्ते का, वो कुर्ता बनवाएंगे ये, तो उनका ये था कुर्ते का कपड़ा और पेंट के साथ। सो गाइस, अब मैं दिखा देती हूँ बुआ जी की तरफ से क्या था। बुआ जी भी काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी, तो अमित के लिए था ये कपड़े का सेट, कपड़े तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब लोगों की तरफ से ही थे। एंड मेरे लिए था ये बहुत ही प्यारा सा सिल्क का कुर्ता सेट है, ये पूरा आई थिंक कपड़ा है या सेट है जो भी है, बट बहुत ही प्यारा अच्छा था, आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है यानी घटी है ना दिया, गोल्डन कलर का वर्क हो रहा है इस पर, मैं इसको तैयार कराऊंगी, बट मैं इसको तैयार कराऊंगी अपनी डिलीवरी के बाद में, थोड़ा सा वेट लूज कर लूँ वरना फिटिंग का ना बड़ा इशू हो रहा है मेरे साथ, पहले के कपड़े मेरे आते नहीं है और अगर अब के साइज से बनवाऊंगी तो आगे नहीं आएंगे,
इसीलिए ये सब मैं बाद में तैयार कराने वाली हूँ। ये था एंड ये था गिफ्ट हैम्पर जो हम खा चुके हैं, आधा चट कर चुके हैं, आधी से ज्यादा चीजें इसमें से। बहुत ही प्यारा हैम्पर था, इसमें चॉकलेट्स एंड ऑल, हमारा टेडी एंड अगर बेबी गर्ल होती है तो उसके लिए इसमें पर्स, काफी सारी चीजें थी। हम सब चट करके इसे खाली कर चुके हैं। तो ये था भाभी की तरफ से, भैया भाभी बुआ जी की तरफ से। सो गाइज ये गिफ्ट्स थे एंड हम मिठाई विठाई जो भी सामान था वो सारे गेस्ट लेकर आए थे। तो अगर मैं किसी का बताना भूल जाती हूँ या दिखाना भूल जाती हूँ सो गाइज माइंड मत करना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी याद भी नहीं आ रहा है कौन क्या क्या लाया था। हो सकता है मैं किसी का गिफ्ट किसी का नाम लेके भी बता दिया हो, मे भी हो सकता है, बट प्रेगनेंसी याददाश्त कमजोर हो जाती है। हाँ मेरी तो हो गई है। सो ये दिया था दीदी की देवरानी ने, आई थिंक अलीगढ़ में, मतलब मेरी नाना दी समझो आप, तो सिस्टर इन लॉ की तरफ से था ये। और इसमें आई थिंक बहुत ही प्यारा सा ये है, फ्रेम टाइप है इस राधा कृष्ण का, बहुत ही प्यारा लग रहा है, हमारे फेवरेट भगवान। ये अली चाबी टांगने वाला की हैंगर है ये, है ना? हाँ चाबी टांगने वाला की हैंगर सेट है, बहुत ही प्यारा है राधा कृष्ण का। सो थैंक यू सो मच सभी के लिए। एंड गाइज उसके बाद ये आई थी हिमालया की बेबी किट, ये आई थी आई थिंक अमित के फ्रेंड की तरफ से। हाँ ये अमित के फ्रेंड ने दी थी, तो इसमें ये पूरा बेबी की बात किट है। तो बेबी होने के बाद अब हमें ये तुरंत से नहीं लेनी पड़ेगी, ये हमारे पास पहले गिफ्ट में आ चुकी है। सो ये बात किट है, सारा सामान हिमालया का न्यू बॉर्न बेबी का इसमें ये आया था अमित के फ्रेंड की तरफ से। सो गाइस अब बात कर लेती हूँ अपने इन लॉज की तरफ से कि इन लॉज की तरफ से मुझे क्या गिफ्ट्स मिले थे। तो ये मेरी सबसे बड़ी वाली ननद बहुत ही प्यारा हैम्पर बनवा कर लाई थी, उनके बच्चों ने बनाया था अपने हाथों से बहुत मेहनत करके। हैम्पर तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं क्योंकि हमने सब खोल फोल डाला है, तो मैं उसकी पिक्चर ना या साइड में टैग कर दूंगी कहीं स्क्रीन पर, आप चेक कर लेना। बहुत ही प्यारा था, जिसमें थे बहुत सारे टॉयज हमारे छोटे बेबी के लिए, इतने सारे टॉयज मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटा सा एलिफेंट और भी काफी कुछ था, ये बड़े क्यूट क्यूट से बनी है डॉल, बहुत सारे टॉयज थे छोटे बेबी के और बहुत ही प्यारा हैम्पर था। बच्चों ने मिलकर बहुत मेहनत करी थी उसको बनाने में। वो जो ब्लू वाला था, हाँ ब्लू वाला हैम्पर जो था, कितना प्यारा लग रहा था ना। ये हैम्पर था और इसमें टॉयज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें थी, लाइक ड्राई फ्रूट्स डॉल। सो ये पूरा हैम्पर था दीदी की तरफ से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मुझे बहुत प्यारा लगा ये, स्पेशली आप लोगों के एफर्ट्स बहुत प्यारे लगे। एंड उसके बाद मेरी जेठानी यानी भाभी, भाभी क्या लेकर आई थी, तो भाभी की तरफ से था अमित के लिए ये पैंट शर्ट का कपड़ा, पैकेजिंग हम खोल चुके हैं इसकी, काफ़ी अच्छा कपड़ा है ये। और मेरे लिए थी एक प्यारी सी साड़ी। सो गाइस ये था भाभी की तरफ से। एंड अब बात कर लेते हैं दूसरी दीदी की। सो दूसरी मेरी बीच वाली ननद जो है वो लेकर आई थी पूरा हैम्पर स्नैक्स का, इतना बड़ा हैम्पर था, फुल ऑफ स्नैक्स था। वो हमने आधे से ज़्यादा रात में ही चट कर दिया था, तो उसका हमारे पास कुछ भी नहीं है, इमेज होगी कहीं तो इधर उधर टैग कर दूंगी। सो वो हैम्पर था दीदी की तरफ से। एंड उनकी तरफ से एक और चीज़ थी, ये था एसी कंफर्टर, ये भी बहुत प्यारा है, हमने अभी इसे यूज़ करना इसको स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और बहुत यूज़फुल चीज़ है ये हमारे। सो दीदी की तरफ से था ये एसी कंफर्टर एंड हैम्पर। और छोटी दीदी की तरफ से था फ्रूट्स एंड ऑल, और ये पैंट शर्ट के कपड़े एंड लिफाफा वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें थी उनकी तरफ से भी। तो ये हो गया छोटी दीदी की तरफ से। अब बात कर लेते मम्मी पापा की। सो मम्मी पापा ने मुझे दिया था एक लिफाफा, और लिफाफे भी मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो लिफाफे वगैरह। एंड भैया ने भी लिफाफा दिया था, एंड और भी जितने सारे लोग जो आए थे, मतलब जितने भी गेस्ट आए थे सब लोगों की तरफ से लिफाफे भी आए थे। पैसा तो जो मेन चीज़ है तो वो सब मेरे पर्स में है, तो वो तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं दिखाने वाली हूँ। सो सभी लोगों की तरफ से लिफाफे, फ्रूट्स, मिठाई, गोला, ये सब तो कंपलसरी था ही था। तो ये थे कुछ गिफ्ट्स जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे, एंड जो सब लोगों ने मुझे बेबी शावर के फंक्शन पर गिफ्ट किए थे। एंड गाइस लास्टली एक गिफ्ट तो रह ही गया, जो दिया था मेरी प्यारी प्यारी भांजियों ने और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये था खुशी पूर्वी की तरफ से। उन्होंने दिया था बैंगल स्टोर करने वाला बॉक्स, जो कि मेरे बहुत काम आने वाला है, मैंने इसमें अपने डेली यूज़ वाले सारे कड़े स्टोर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों। सो गाइस ये थे मेरे बेबी शावर फंक्शन के सारे गिफ्ट्स, आई होप आप लोगों को भी पसंद आए होंगे, एंड मुझे तो बहुत पसंद आए।
और सबसे अच्छी बात थी कि सब लोग आए, सबकी प्रेजेंस मैटर करती है, इतना अच्छा हमारा फंक्शन हो गया था। और हाँ गाइज, वन मोर थिंग मैं इसमें वीडियो में ऐड करना चाहूंगी कि अगर किसी का गिफ्ट रह गया है, क्योंकि सारा सामान आने के बाद हमने इधर उधर रख दिया है, तो हो सकता है कोई सामान इधर उधर रह गया हो, मैं दिखाना भूल गई हूँ, तो आई एम सो सॉरी। और कोई गिफ्ट में मैंने ब्लंडर भी कर दिया हो, क्यों मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अभी जो जो गिफ्ट मुझे सामने दिख रहे थे वो सब मैंने दिखा दिए हैं। एंड दैट्स ऑल गाइज, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की एंडिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।